तो टुडे वी हैव द स्क्रैम और काफ़ी देर से चला रहा हूँ मैं बाइक को और मैं आ चुका हूँ एक्सप्रेसवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे एंड यस यू गाइस गेस्ट इट राइट, आई एम गोइंग टू टेस्ट द टॉप स्पीड ऑफ हिमालयन स्क्रैम 411। तो ट्रैफिक है थोड़ा सा क्योंकि दोपहर का अराउंड 2:30 बज रहे हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक टू मच ऑफ रिस्क, ऑल्दो आई एम गियर्ड अप। सब चीज़ पहना है मैंने, टो टू हेड एवरीथिंग, और दो या तीन स्ट्रेच लेंगे हम डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एंड वील सी हाउ डज दिस बाइक परफॉर्म्स ऑन हाईवे एंड द टॉप स्पीड ऑफ द बाइक। फिर से बोलता हूँ, ज़्यादा हम स्ट्रेच नहीं ले पाएंगे क्योंकि बाइक दोपहर में रेडी हुई टेस्ट ड्राइव के लिए, सुबह आते तो खाली मिलता, अच्छा स्ट्रेच मिल जाता, मगर फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे क्योंकि यार जान ज़्यादा प्यारी है। सो मेक श्योर यू गाइज आर ऑल गेयर्ड अप अगर आप ऐसा कुछ टेस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स गो, हियर गोज द फर्स्ट गियर। यहीं से थोड़ा सा स्ट्रेच है, बात कम करेंगे, 100 है, क्रॉस्ड इजीली फोर्थ गियर एंड लेट्स टक इन 120। सो 125 ईजिली, और मेरे को हल्का सा वाइब्रेशन फील हुआ है अंडर द सीट और हल्का सा ऑन द फुट पैग्स एंड दैट्स रियली नॉर्मल, नॉर्मल है इतना। और देखिए अभी मैं आई एम राइडिंग एट 100, ईजिली आई कैन क्रूज ऑन 100, मतलब 100 क्या, अभी मैं 110 लेके चलता हूँ इसको, 110 पे ईजिली यू कैन क्रूज। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है इसलिए आई हैव टू स्लो डाउन। तो आई थिंक 120, 125, मैक्स 130 तक अगर जा सकती है तो ये इट्स वेल एंड गुड आफ्टर सर्विसिंग। बाकी हाईवे परफॉर्मेंस इज रियली गुड, द रोड प्रेजेंस ऑफ द बाइक अच्छा है, ऐसा कहीं पे पावर लैग नहीं है कि मेरे को दिक्कत हो रही है पावर में, बट आफ्टर सम टाइम, लाइक मैं इंटरसेप्टर चलाता हूँ तो हाँ आफ्टर सम टाइम इट विल फील लिटिल बोरिंग फॉर मी, क्योंकि इंटरसेप्टर का पावर तो आप लोगों को पता ही है, बट स्टिल आई थिंक आरी हैज़ डन अ डिसेंट जॉब। यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेच मिला है मगर बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं है। तो आई थिंक रिजल्ट विल बी द सेम अगर हम थर्ड स्ट्रेच भी लेते हैं 125, 120, 125। बाइक लाइट वेट है, मजा आ रहा है चलाने में, हैंडलिंग इज टू गुड। और देखिए अभी आई नीड पावर ओवरटेकिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए एंड यू गेट द पावर। तो बाइक का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है काफी अच्छा है, पोजीशन ऑफ द फुट पैग्स इज रियली नाइस, अच्छा है फुट पैग का पोजीशनिंग, थोड़ा सा बैकवर्ड्स में है तो यू वोंट फील दैट पेन इन योर नीज और काव्स, अच्छा रहेगा ये। अभी ऐसा होता है कोई भी नई बाइक लॉन्च होती है हमारा मन करता है यार इसको ले लें, मगर यार थोड़ा सा बजट भी देखना पड़ता है, अभी अपना बजट अलाउ नहीं कर रहा है।
और काफ़ी सारे मॉडल्स न्यू लॉन्च होने वाले हैं आरी के। आई थिंक 5-6 मॉडल्स और लॉन्च होने हैं दिस ईयर 2020, सो लेट्स वेट फॉर देम एज वेल, वरना इट विल बी इनजस्टिस फॉर देम। तो हाईवे परफॉर्मेंस हमारा आराम से टेस्ट हो चुका है आई थिंक। अब इससे अच्छा हाईवे क्या ही मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे से। फिफ्थ गियर में मैं चल रहा हूँ, आई एम एट द स्पीड ऑफ 80, 60 पे भी था अभी बीच में, एंड देर इज नो नॉकिंग, इंजन इज स्मूथ। हंड्रेड पे आई एम क्रूजिंग सो इजीली, मज्जा नहीं लाइफ। बाकी वील कम टू नो जैसे जैसे लोग बाइक को लेंगे, रिव्यूज़ आएंगे, यूज़र रिव्यूज़, वील कम टू नो अबाउट द माइलेज एंड एवरीथिंग। आई थिंक माइलेज इज़ गोना बी द सेम एज हिमालयन, थोड़ा सा वेट रिड्यूस हो गया है इसलिए थोड़ा सा इंक्रीज़ ज़रूर हो सकता है, मगर बाइक की ट्यूनिंग हिमालयन से थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा अग्रेसिव है बाइक। सो यार आई हैव रिडन दिस बाइक ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर्स, और 36 किलोमीटर के बाद मेरा ये रिव्यू है कि मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट कैन डिफर फ्रॉम अदर्स, आई एम नॉट सेइंग दैट हाउ आई फेल दिस बाइक अदर पीपल विल फील द सेम अबाउट दिस बाइक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे को ये लगा यार इफ़ यू गाइस लाइक हिमालयन, अगर आपको हिमालयन आपने चलाई है कभी, आपको हिमालयन ने कभी डिसअपॉइंट नहीं करा है, तो यार 100% आपको ये बाइक भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और डिफरेंस कहाँ पे आता है, अगर आपको हिमालयन पसंद आई और आपने हिमालयन सिर्फ इस रीज़न की वजह से ली कि हिमालयन थोड़ी सी बड़ी है मेरे लिए, थोड़ा सा शॉर्ट हाइटेड है, और थोड़ी उसका जो व्हील बेस है, व्हील बेस तो कह रहे इसका सेम है, सीट हाइट उससे छोटी है, तो अगर आपका ये इशू रहा कि इस वजह से आप हिमालयन को चूज़ नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली दिस बाइक विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, यू कैन गो फॉर दिस बाइक। इंजन इज़ ऑलमोस्ट द सेम, तो आपको कोई डिफरेंस चलाने में फील नहीं होगा, हल्का सा इंजन पंचियर है, पेपियर है, और लाइट वेट है, आपको लाइट वेट लगेगा हिमालयन से। सो इफ़ यू वॉन्ट अ स्ट्रिप डाउन वर्जन ऑफ हिमालयन, गो फॉर दिस बाइक, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मुझे बहुत मज़ा आया चलाने में। नाउ दिस इज़ नॉट अ बायस रिव्यू, मैं कभी भी किसी बाइक के लिए बायस नहीं होता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वही बताता हूँ। तो चलते हैं बाइक को लेके शोरूम में जल्दी से, और बाइक को वापस करना है किसी और की अमानत है, और हमें बहुत मज़ा आया। थैंक्स श्रीजी ऑटोमोबाइल्स ग्रेटर नोएडा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू राइड दिस ब्यूटीफुल मशीन।